येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। जिनके लिए हम राज्य भोग तथा सुखों की इच्छा कर रहे हैं वे अपने जीवन तथा धन को त्याग कर यहां युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिताजन, बेटे तथा साथ में दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा संबंधी लोग हैं। हरिओम। भ्रामुकता के साफ निशान दिखाई दे रहे हैं अर्जुन के मन में, भ्रम में सोच रहा है जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, दादा, चाचा, मामा, कुछ श्लोक पहले यही आतताई थे, कुछ श्लोक पहले यही दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने वाले थे, एंड सडनली नाउ वो प्रिय हो गए। जस्टिफिकेशन दे रहा है। मैं मानता हूं अर्जुन को जो समस्या आई है बड़ी भयंकर है, मैं मानता हूं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन मुश्किल काम किसको मिलता है? जो कैपेबल हो। आपको कोई कहता है जाके हवाई जहाज उड़ा ले? आपको कोई कहता है न्यूक्लियर बम को डिस्कस कर? आपको कोई कहता है कि जाके अमेरिका और रशिया की डिस्कशन प्रॉब्लम सॉल्व कर? आप ऑफिस में किस मुश्किल काम किस व्यक्ति को देते हो? किसको देते हो जो सक्षम हो? स्कूल में मुश्किल क्वेश्चन किसको देते हो जो सक्षम हो? संसार में मुश्किल काम किसको मिलता है जो सक्षम हो? यदि आपको प्रभु ने, नेचर ने, कुदरत ने मुश्किल चैलेंज दिया है, व्हाट इज इट मींस? इसका मतलब है आप उसको करने में सक्षम हो। अब हर ऐरे गैरू नत्थु खैरे को तो कोई काम नहीं देते थे। मैं पानी के एक गिलास को दूसरे गिलास में डालने को बोलता हूं, किसी को भी दे सकता हूं। पानी को एक गिलास से दूसरे गिलास में डालने का काम किसी को दे सकता हूं, लेकिन यदि मैं दूध को एक गिलास को दूसरे गिलास में डालने का काम देता हूं तो केयरफुल रहना पड़ेगा। चाशनी देता हूं तो और केयरफुल रहना पड़ेगा। सपोज मैं न्यूक्लियर फ्यूल किसी को डालना है एक टम्बलर से दूसरे में, हर किसी को दे दोगे आप? हरे गहरे नथु कहरे को आप दे दोगे न्यूक्लियर फ्यूल? नो, उसी को दोगे जो सक्षम है। तो मुश्किल कार्य, मुश्किल कार्य, मुश्किल चैलेंज किसको देती है? प्रकृति, जो सक्षम है। और अगर आपको प्रकृति ने कोई कार्य दिया है इसका मतलब आप कैपेबल हो। तो अर्जुन को यदि नेचर ने स्थिति पे लाया वो सक्षम है, लेकिन वो भ्रामकता में पैदा हो गया, कंफ्यूज हो गया, डिल्यूजन में आ गया, क्योंकि मुश्किल है इसे करना नहीं चाहता, अवॉइड करना चाहता। हम सब कबूतर की तरह हो जाते हैं, सामने बिल्ली आती है आंखें बंद कर लेते। कबूतर क्या करता? बिल्ली आती है आंखें बंद कर लेता। हम अवॉइड करना चाहते हैं अपने चैलेंजेस को। कर लो, कितनी देर करोगे? हर बच्चा 2 महीने के होमवर्क को पहले 1 महीना अवॉइड करता है। हर बच्चा स्कूल के 2 महीने का जो समर में होमवर्क होता है उसे अवॉइड करता है, और आखिरी में क्या होता है? सारा सर पे लाद के परेशान होता है। प्लीज गेट आउट ऑफ योर स्लंबर। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी है, ऑफकोर्स दी है, लेकिन उसका हमारे और आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मकसद है? गीता फॉर प्रैक्टिकल लाइफ हम कर रहे हैं, गीता फॉर डायनामिक लाइफ करते हैं। तो ये श्लोक बताता है यदि भावनाओं में लगाम नहीं लगाई, यदि भावनाओं में लगाम नहीं लगाई तो अर्जुन जैसा योद्धा भी घुटने टेक सकता है, अर्जुन जैसा योद्धा भी घुटने टेक सकता है। ये भावना अच्छी है लेकिन भावुकता होनी खराब है। गुड टू हैव ए सेंटीमेंट बट डोंट बी सेंटीमेंटल। इमोशन होने अच्छे हैं लेकिन इमोशनल होना बेड़ा गर्क कर देगा। भावना होनी अच्छी है लेकिन भावुकता
भावुकता आपका बेड़ा गर्क कर देगी। अर्जुन इमोशंस के आगे अपनी बुद्धि को छोड़ रहा है। आप अपने घर में देख लीजिए, कोई आदमी बहुत इमोशनल हो जाए, आप उससे बात करते हुए घबराते हो, उसे छुपाते हो बात। कोई आदमी आपके घर में बहुत इमोशनल हो जाए, गुस्से में आ जाता है, टेंपर लूज कर लेता है, बड़ा टेंशन में आ जाता है, आप छुपाते हो। क्यों छुपाते हो? यार एक तो ऑलरेडी पंगा चल रहा है, इसको बता दिया तो एक पंगा और शुरू हो जाएगा। इमोशनल आदमी की, इंपल्सिव आदमी की, इरेशनल आदमी की, भावुक व्यक्ति की, भावना प्रधान व्यक्ति की, बहुत ज्यादा रोंदू व्यक्ति की, बहुत ज्यादा डरू व्यक्ति की ना घर में ना बाजार में कहीं पे भी वैल्यू नहीं है। और किसको समर्पण करते हो आप? जो धीर हो, गंभीर हो, सुधीर हो। धीर, गंभीर और सुधीर के सामने समर्पण करते हो। आप बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हो और डॉक्टर बच्चे को देख के टेंशन में हो जाए तो आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन बच्चे को देख के डॉक्टर बोलता ओके लेट मी हैंडल इट, मैं करता हूं, आप शांत हो जाओ। उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आप इतने वाइज हो, इतने प्योर हो, इतने मैच्योर हो कि दूसरे के सामने आते हो तो उसकी चेहरा खिल जाता है, वो शांत हो जाता है। लेकिन होता क्या है? शायर ने बोला, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। लेकिन होता क्या है? उनके जाने से जो आती है चेहरे पे रौनक, हम इतने ज्यादा इमोशनल हैं कि जब चले जाते हैं तब लोग कहते हैं अब गया। अर्जुन भावनाओं के आगे घुटने टेक रहा। भ्रामुकता का साफ निशानी है, कह रहा हमें युद्ध नहीं करना। किसके लिए युद्ध करें? जो युद्ध करने के लिए तैयार है वो चाचा मामा पिता सब अपने जीवन को त्याग करने के लिए बैठे हैं, और वाकई त्याग करके बैठे, बिकॉज दैट्स देयर ऑब्लिगेटेड ड्यूटी। सरहद पे खड़ा होके, बॉर्डर पे खड़ा होके फौजी ये कहना शुरू कर दे यार लड़ाई इज नॉट ए सोल्यूशन, लड़ाई से तो लोग मरते हैं, लड़ाई से तो प्रॉब्लम ही होती है, विल ही से इट? नो। क्यों? क्योंकि पिछले 20 साल उसने सारा नाम ये सम्मान कमाया किस लिए? इसलिए कि युद्ध में वो बेझिझक लड़ेगा। तो अर्जुन का मन डोल रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण है, फॉर्चुनेटली, इसलिए वो उसको बचा पाएंगे। लेकिन जब आपका मेरा मन डोले, आपका मेरा मन डोले, तो आपके पास कौन कृष्ण है? आपके पास कौन है जो कृष्ण की तरह आपको भवसागर से पार कर देगा? और वो कृष्ण है भगवत गीता, वो कृष्ण है श्रीमद् भगवत गीता, जो ये सर्व, ये गीता जी के महात्म में आता है, गीता जी के शुरुआत के श्लोक में आता है, गीता ध्यानम में, कि संसार एक नाव है और उसकी लहरें अलग अलग लहरें, लेकिन शास्त्र कंपस की तरह, शास्त्र कंपस की तरह जो आपको सही दिशा और दशा तक ले जाता है। शास्त्र आपको बता देते हैं कहां सही है क्या गलत है, शास्त्र आपको बता सकते हैं कि कहां सही है क्या गलत है। शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, शास्त्रम प्रमाणम अस्ति। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के किसी शब्द में कंफ्यूज्ड हो तो आप डिक्शनरी का सहारा लेते हो, और डिक्शनरी में जो भी बोल दिया जाए प्रमाण हो जाता, यू डोंट डिस्कस देयर आफ्टर। तो हमारे शास्त्रों ने साफ कहा है कि कर्म को इसलिए मत त्यागिए क्योंकि इग्नोरेंस के कारण, कर्म को इसलिए मत त्यागिए क्योंकि भय के कारण, रजस के कारण, कर्म को त्यागिए ही मत। भ्रम बहुत है हमारे जीवन में, डिल्यूजन में रहते हैं हम, सोचते हैं उन्होंने मेरे लिए त्यागा हुआ है। किसी ने आपके लिए कुछ नहीं त्यागा हुआ, सब अपने जीवन के चक्र में चल रहे हैं। ये आप हो, ये हस्बैंड है, ये बच्चे हैं, चार बच्चे, ये इस तरह का जीवन है, चार जने इकट्ठे हैं, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये आप हो, ये हस्बैंड है या वाइफ हो,
ये वाइफ हो, ये हस्बैंड है, दो बच्चे, ये चारों इकट्ठे रह रहे, चारों इकट्ठे रह रहे। एक बच्चे का बुद्धि आ जाती है कि उसे यूरोप जाना है, उसे अमेरिका पढ़ने जाना है, अमेरिका नौकरी करने जाना है। वो क्या करेगा? छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा? मां बाप को छोड़ देगा। कहां जाएगा? नौकरी मिल रही है उसको, जाएगा। तो जब त्याग कर दिया, आप नाराज हो जाओगे उससे? अब नाराज होंगे उससे? नहीं होंगे। सपोज आपके बेटे को जॉब मिलती है ब्राजील के ब्राजीलिया में, या अमेज़न जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर की, 10 लाख रुपए सैलरी है उसकी, इमेजिन कीजिए, 10 लाख रुपए उसकी सैलरी है, और ब्राजील के अमेज़न जंगल में उसको फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब मिलती है, अकेला जाना, परिवार को लेकर नहीं जा सकता। कितने लोग ललायत हो जाएंगे उस जॉब के लिए, कितने लोग ललायत हो जाएंगे उस जॉब के लिए। लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। क्यों? और घर वाले खुद लाइन में लगे होंगे उसकी फॉर्म भरने के लिए। रीजन, उसका भविष्य बन जाएगा, उसका भविष्य भविष्य बन जाएगा। लोग करते ही हैं, बिहार से लोग दिल्ली आते हैं, पत्नी उधर रहती है, पत्नी बिहार में रहती है, दिल्ली से या इंडिया से लोग गल्फ में अरब में जाते हैं, अकेले रहते हैं, साल 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 भर नजर नहीं आते। या आर्मी में भी होता है, कोई बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई ये कह दे कि 3 साल के लिए अध्यात्म पढ़ने आश्रम में चले जाओ, स्याप्पा हो जाता है घर पे, स्याप्पा हो जाएगा घर पे। यदि कोई कहे कि 1 लाख 10 लाख डॉलर की आपको जॉब मिल रही है ब्राजील के ब्राजीलिया में, यू डोंट नो कि वह वापस आएगा कि नहीं आएगा, वहां किसी ब्राजीलियन लड़की से शादी कर ले, वहीं का खाना पीना हो जाए, वहीं की सिटीजनशिप ले ले, यू हैव नो प्रॉब्लम, यू विल लूज योर सन फॉर अ गुड फॉर एवरी टाइम। वो आएगा कभी साल में 1-2 बार या 2-3 साल में 1 बार, धीरे धीरे तब तक आएगा जब तक आप होंगे, आप में से एक कम हो जाएगा तो फिर आना उसका कम हो जाएगा। You will lose your son, 90% chances that you will lose your son or your daughter if he goes abroad for a job. लेकिन आप खुशी खुशी भेजोगे। क्यों? क्योंकि उसका future बन जाएगा। लेकिन कोई ये कह दे कि आप अध्यात्म में आ जाओ और उसका जन्म जन्म बन जाएगा। विवेक चूड़ामणि में बहुत important बात आती है। विवेक चूड़ामणि कहता है कि जो व्यक्ति वेदांत पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, उसके आगे आने वाले 4 कुल और पीछे गए हुए 4 कुल तर जाते हैं। सो हम सब की लाइफ में हमने अध्यात्म को बहुत कम वैल्यू दी है, पैसे को, नाम को, यश को बहुत ज्यादा वैल्यू दी है। इसलिए अध्यात्म को त्यागा हुआ है और संसार के सुखों के पीछे भाग, और इसीलिए अर्जुन यहां पे उसी चीजों को ज्यादा हार्प कर रहा है, धन का, जीवन का, पैसे का, इच्छा का त्याग हुआ है। शास्त्रों की सबसे खास बात है शास्त्रम प्रमाणमस्ति, शास्त्र कभी भी लाग लपेट नहीं करते, सीधी बात मुंह पे सामने बोलते। जैसे पिछले 3-4 श्लोक पहले मैंने बोला था, शुभ अशुभ परित्यागी, इसी श्लोक में हम यही बोल रहे हैं कि जब आप कोई चीज गुस्से से, खुंदक से छोड़ते हो, वो त्याग नहीं है। अर्जुन दुखी है, परेशान है, और उस दुखी परेशानी को, युद्ध को छोड़ने के जस्टिफिकेशन के लिए वो अलग अलग बहाने दे रहा है, अलग अलग एक्सक्यूजेस दे रहा है, अलग अलग तर्क दे रहा है। और भगवान जी सीधा सपाट मुंह करके, लाइक ए पोकर फेस बैठे, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। और रिएक्शन करेंगे सबसे पहला तो 10वें श्लोक में भगवान जी का रिएक्शन आएगा। प्रसन्नी वेव हंसते हुए, इट्स लाइक दिस कि आपके सामने आपका बच्चा पोता रो रहा, पीट रहा, नाराज है। किस बात पे? कि मुझे किसी के बर्थडे में जाना और मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे? कई बार होता है, बच्चा कभी देखना, बच्चों को जब
बर्थडे में भेजते हो आप किसी के साथ, दूसरे बच्चे के लिए गिफ्ट लेते हो, उस बच्चे अपने बेटे पोते के लिए भी आपको गिफ्ट लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो नाराज हो जाता है। और जब वो गिफ्ट दे रहा होता है अपने दोस्त को, तो कैसे दे रहा होता है? बड़ी मुश्किल से दे रहा होता है। और जाते वक्त कहता है, मेरी रिटर्न गिफ्ट किधर है, मेरी रिटर्न गिफ्ट किधर है। और जब वो रो रहा है, मुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं मिली, जब वो रो रहा है कि मैंने इतनी अच्छी गिफ्ट दी, उसने तो रिटर्न गिफ्ट मुझे बेकार दी, तब आप क्या करते हो? रोते हो उसके साथ, दुखी होते हो, परेशान होते हो। ऑन द अदर हैंड आप हंसते हो। तो भगवान जी अर्जुन के इस दुखी मन से दुखी नहीं है, अर्जुन के इस दुख से परेशान नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी हंस रहे हैं, व्हाट द फॉल माई इंटेलेक्ट, कैसे तेरा ये फॉल हुआ है, हाउ ऑन अर्थ यू हैव फॉलन फॉर दिस स्टेट। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थित। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान जी शुरू में ही बोलेंगे, हाउ ऑन अर्थ यू हैव फॉलन फॉर दिस स्टेट, कहां तू गिर गया, ये तुझे शोभा नहीं देते। क्योंकि अर्जुन यही सोच रहा है कि जितना मैं अपना दुख रोऊंगा, जितना मैं अपना दुख दिखाऊंगा, जितना मैं अपनी चिंता बताऊंगा, जितना मैं अपने दुखों को भगवान कृष्ण के सामने बताऊंगा, उतनी मुझे सिंपथी ज्यादा मिलेगी। दैट्स व्हाट जनरली हैपेंस। जब आप अपने दुखों को लोगों को बहुत बताते हैं, तो मर्यादा में रह के कहते हैं, बहुत सैड है, बहुत सैड है, लेकिन अंदर किसी को नहीं होता। तो अर्जुन सोच रहा है, जितना मैं अपना दुख बताऊंगा, अपनी चिंता बताऊंगा, अपना प्रॉब्लम्स बताऊंगा, उतनी मुझे सिंपथी ज्यादा मिलेगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी भगवान जी सबसे पहले, नोटिस कर लीजिए मेरी बात, दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान जी जब अपनी वाणी की शुरुआत करेंगे, अर्जुन के इस दुखी परेशान अस्त व्यस्त मन को भगवान जी गाली देंगे। आई रिपीट, भगवान जी जब गीता जी की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला श्लोक है एक गाली देंगे। यू मे वंडर, सर ये क्या बोल रहे हो, लिसन मी केयरफुली। जब पहुंचेंगे दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान जी बोलेंगे, क्लेब्यम मा स्मगम अपार्थ। अब क्लेब्यम का क्या मतलब है आप डिक्शनरी में खुद देख लीजिएगा। और जब हम चैप्टर 2 के वर्स नंबर 3 में पहुंचेंगे तब पता चल जाएगा उसका मतलब क्या। So, हम सबकी लाइफ में अर्जुन दुख दिखा रहा है, दुखड़ा रो रहा है, और दुखड़ा रोते रोते वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि मुझे सिंपथी मिल जाएगी। सिंपथी ग्रेटर होते हैं, कई लोग बहुत कम, बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम है, अपने दुख बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और बड़ा चढ़ा के इसलिए बताते हैं कि लोग उनको सिंपथाइज करते हैं, और जब सिंपथी मिलती है तो उनका अहंकार बढ़ता है। यहां है लोग कह देते हैं कि जद होया ना मेरा दुख, आपको क्या हुआ, आपको तो 1 बाईपास सर्जरी हुई है, मेरी तो 2 बाईपास सर्जरी हो चुकी है। उसमें भी अहंकार, दुख का भी अहंकार। इसलिए भगवान जी चुप है, और उस चुप्पी में हजारों आवाज छुपी है। जब भगवान जी बोलेंगे तब देखेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिएगा। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। हरिओम।